हेलो दोस्तों, MRAC टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है स्प्लिट एसी यूनिट है, स्प्लिट एसी ये देखिए अपना ओ जनरल का है। इसमें हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कंप्रेसर कट ऑफ नहीं हो रहा है, कंटिन्यू रन हो रहा है। ठीक है, अभी इंडो यूनिट में अगर आप टेम्परेचर सेट करके रखे हैं 22, तो 22 आने के बाद भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कंप्रेसर कट ऑफ ही नहीं हो रहा है। तो अभी हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि अपना क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी जैसे क्या है कि अभी आउटर यूनिट से ही सप्लाई इसमें देखे गया हुआ इंडोर यूनिट के लिए। ठीक है, अपना लाइन अभी लाइन सप्लाई अपने न्यूट्रल वगैरह दिया हुआ है, लाइन न्यूट्रल है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इंडोर के लिए लाइन और न्यूट्रल है, और फिर ये कंट्रोल पावर अपना CP जो इंडोर यूनिट से आता है। ठीक है, तो इसके जरिए हमारा आउटर यूनिट जो है कंट्रोल होता है, कंप्रेसर रनिंग लेता है। ठीक है, वो अपना पावर रिले अगर इसके अंदर हो तो पावर रिले में डाला जाता है, और नहीं तो कॉन्टैक्टर का इसका A1 पॉइंट में इसको डाला जाता है। 3 नंबर जो वायर आपका नीचे इंडोर यूनिट से आ रहा है, ये CP इसको बोला जाता है कंट्रोल पावर। अभी हमारा क्या हो रहा है कि अभी जैसे हम आउटडोर यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो एक साथ कंप्रेसर स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए, जैसे यहाँ पर ब्रेकर दिया हुआ है, अभी स्टार्ट हम इसको करेंगे, क्योंकि आपको साउंड मिल रहा होगा। अभी देखिए इसमें सप्लाई आएगा, देखिए इसमें सप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये अपना आउटडोर यूनिट के लिए है, ये न्यूट्रल है, इसमें नहीं आएगा, न्यूट्रल में नहीं आ रहा है। ये फिर इंडोर के लिए जा रहा है तो इसमें भी आ रहा है सप्लाई। ठीक है, यहीं से सप्लाई जा रहा है इंडोर यूनिट के लिए रनिंग के लिए, ये न्यूट्रल है, इसमें नहीं आएगा। तो अभी जब हमारा कंप्रेसर कब रन होना चाहिए, ठीक है, जब हमारा इसमें आएगा कंट्रोल पावर CP में, लेकिन इसमें हमारा CP में कंट्रोल पावर में नहीं आ रहा है, मतलब इंडोर से अभी हमारा कमांड नहीं मिला है कंप्रेसर रन होने के लिए, फिर भी हमारा कंप्रेसर रन हो गया। तो इसका मतलब कि हमारा इंडोर यूनिट सही है, हमारा आउटडोर यूनिट में कुछ इश्यू है। तो अभी इसको हम खोलेंगे और खोल करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका मोस्टली प्रॉब्लम इसके अंदर कॉन्टैक्टर होगा, नहीं तो अपना पावर रिले होगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। अभी खोल के इसको हम देखते हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। यूनिट को हम बंद कर देते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी मैंने इस पूरे यूनिट का देखिए कवर ऊपर से निकाल दिया है। निकालने के बाद देखिए अंदर मैं कॉन्टैक्टर नहीं लगा करके पावर रिले लगाया हुआ है, तो इसका भी सेम कॉन्टैक्टर जैसा फंक्शन है। एक कॉन्टैक्टर का हम वीडियो बनाया है, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप देख लें, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कैसे वर्क करता है वो। तो इसमें क्या है कि अपना देखिए इसका ढक्कन खोलने के बाद जो ये वाला पोजिशन का जो ढक्कन है, यहाँ पर ढक्कन खोलने के बाद इसमें एक ड्राॅइंग मेंशन किया हुआ है। आपको ड्राॅइंग के लिए एक हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे रिले है, मेन रिले, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेन रिले है। इसमें क्या है, 1 और 4 ये NO पॉइंट दिखा रहा है। इसमें देखिए आपका ये आपका टच नहीं किया हुआ है, मतलब 1, 4 NO पॉइंट होना चाहिए बंद कंडीशन में, और 5 और 6 आपका जो कॉयल वोल्टेज है जो न्यूट्रल ऑफ फेज उसमें दिया हुआ है। तो जो अपना नीचे से कंट्रोल सप्लाई जो आता है ना, अब इंडोर यूनिट से, तो इंडोर यूनिट से 5 और 6 में दिया जाता है। 1 और 4 में क्या है कि आपका ये दिया हुआ है 1 और 4 में, इधर से डायरेक्ट फेज डाल करके और स्टॉप किया हुआ रहता है कि जब कॉन्टैक्टर पकड़ेगा, जब कंट्रोल पावर आएगा तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम अभी हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कंप्रेसर स्टार्ट हो जा रहा है जैसे ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हमारा इसमें 1 और 4 ये दोनों है, ये दोनों हमारा NO पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, और ये दो पीछे में जो वायर है, ये दोनों तो हमारा A1 A2 का फंक्शन काम करेगा, वो कॉइल है। तो अभी हम पहले ये NO पॉइंट को हम देख लेते हैं, ये और ये इसको हम चेक करते हैं, आपके सामने भी हम क्लैमीटर से चेक करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। हाँ दोस्तों, तो ये हमारा ये दोनों NO होना चाहिए, लेकिन ये देखिए हमारा NC आपका कंटिन्यूटी कंटिन्यू आ रहा है इसमें, ओम्स लगाकर हम चेक कर रहे हैं। देखिए क्लैमीटर इधर है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाइए इधर क्लैमीटर, ये हमारा क्लैमीटर कंटिन्यूटी पॉइंट में हम सेट किए हुए हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम इसमें चेक करेंगे, तो ये हमारा NO दिखा रहा है, जो 1, 4 NO होना चाहिए तो वो NC है, जैसा कि आप वीडियो यहाँ पर आप ड्राइंग में भी देख रहे हैं। ये हमारा 1 और 4 जो है ये हमारा NO है। ठीक है, NO होने के बाद, लेकिन ये हमारा अभी NC हो गया ख़राब होने के बाद। तो देखिए 1 और 4 जो हमारा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 और 4 ये NO पॉइंट है, 5-6 अपना कॉइल के लिए दिया हुआ है सप्लाई। तो हमारा ये तो हम चेक कर रहे हैं तो हमारा NC हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा पावर रिले ख़राब है। ये
जो है डायरेक्ट सप्लाई कंप्रेसर में जा रहा है, एनसी है तो डायरेक्ट सप्लाई जाएगा, लेकिन अभी कॉन्ट्रेक्टर पकड़ने से पहले कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा, उसके पहले ये पकड़ ले रहा है, तो ये डायरेक्ट सप्लाई हमारा कंप्रेसर में जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। तो अभी हम इसको नॉर्मली कभी कभी खोल करके इसको ठोंकने के बाद जो है ना, अभी थोड़ा इसको पटकेंगे तो सही हो जाता है, नहीं तो नहीं सही होगा, तो दूसरा नया चेंज करना होगा। तो अभी थोड़ा इसको देखते हैं हम, इसको खोल कर उसके बाद थोड़ा रिपेयर करके अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉन्ट्रेक्टर चेंज करेंगे या रिले चेंज करेंगे, तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी हम एक वायरिंग का फुल वीडियो इस पर हम आपको बना करके डालेंगे, तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। चले फिर आप वीडियो के साथ बने रहें, देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने इस रिले को अभी ज़मीन पे थोड़ा पटका कस के, तो इसके अंदर का जो पॉइंट था अभी हट गया, तो अभी हटने के बाद अभी देखते हैं कि अभी क्या इसका कंडीशन, अभी सही कंडीशन में दिखा रहा है अपना ये किलोमीटर चेक करने के बाद। एनओ पॉइंट हो गया, 1 और 4 जो है हमारा एनओ पॉइंट था और 5 और 6 हमारा एनसी था, तो ये कॉइल वोल्टेज था हमारा। तो इसमें हम पावर सप्लाई पहले बाहर से डाल के देख लेंगे, नहीं तो अगर सिस्टम के साथ डायरेक्ट लगा के चालू करेंगे तो मुश्किल है। तो अभी देखिए, अभी हम चेक करते हैं, चेक कीजिए इसमें, अभी देखिए इसमें कंटिन्यूटी आ रहा है, लेकिन अभी ये दोनों में हम आपस में चेक करेंगे। तो देखिए अभी हमारा ये एनओ पॉइंट है, अभी ये नहीं आ रहा, 1 और 4 है, और ये आपका जो है ये, और ये चेक कीजिए, ये आपका कॉइल ये है, तो अभी ये ओम्स थोड़ा बहुत आएगा रेजिस्टेंस, अच्छा से चेक कीजिए, देखिए चेक कीजिए अच्छा से, मतलब ये अभी जितना कॉइल वोल्टेज वगैरह होगा ना इसका कॉइल का, वो शो कर रहा है, ठीक है, ये एनो पॉइंट है, इसमें कॉइल वोल्टेज आ रहा था। तो अभी हम डायरेक्ट इसमें सप्लाई देखिए डालते हैं अपना 5 और 6 में जो है, हम सप्लाई डाल के देखते हैं, क्योंकि वहाँ उसमें A1 A2 कनेक्ट करना होगा ना, तो न्यूट्रल फेज हम डायरेक्ट, हाँ दोस्तों, तो अभी हम डायरेक्ट इसमें 220 सप्लाई दे रहे हैं, ये देखिए हमारा कंट्रेक्टर पकड़ा, ये देखिए हमारा वो जो एनो पॉइंट हो रहा था वो एनसी हो गया, ठीक है, अभी हटाएंगे तो वो एनओ होना चाहिए, देखिए आप सटाए रहिए, देखिए वो एनओ पॉइंट में है, और ये हम करेंगे तो ये एनसी हो गया। तो ये हमारा आप रिले जो है अब काम कर रहा है, तो अभी इसको हम अंदर डाल सकते हैं अपना आउटडोर यूनिट के अंदर, ठीक है, ओके। तो अभी हम अंदर पूरा फिट करके आपको दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, तो अभी हमने इसको फिर से रिले को, पावर रिले को रिपेयर करके फिर से अभी डाला है। तो अभी देखिए जैसे हम अपना ऑन करेंगे, अभी तो मैंने इसका कवर नहीं लगाया है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक 2-3 मिनट के बाद जब पावर सप्लाई आता है तब ये स्टार्ट होना चाहिए हमारा। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं ब्रेकर, ये देखिए ऑन तो हमने कर दिया, अभी ऑन करने के बाद देखिए अभी फैन वगैरह सब बंद है, कंप्रेसर बंद है, उस टाइम रिसेंट में स्टार्ट हो जा रहा था, आप देख रहे थे ना, अभी देखिए इसमें पावर सप्लाई आ रहा है, देखिए सप्लाई है, इन आउट जो भी है उसमें चल रहा होगा। अभी देखिए इसमें कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है, तो जब कंट्रोल सप्लाई आएगा तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है, तो अभी आपको हम दिखाते हैं कंट्रोल सप्लाई आएगा, तो डायरेक्ट आप वीडियो के साथ बने रहिए, हम प्ले करते हैं, ओके। मैंने अभी पावर सप्लाई डाल के रखा है, तो अभी थोड़ा टाइम में स्टार्ट होगा, मैं वीडियो को रोक के रखूँगा, थोड़ा टाइम में स्टार्ट होगा, तो अभी देखिए इसमें कंट्रोल सप्लाई नहीं आ रहा है, क्या ना, देखिए इसमें नहीं आ रहा है, फेज है, लाइन है, देखिए लाइन इसमें दिया हुआ है, ये इंडोर में भी जा रहा है, ठीक है ना, आप टेस्टर से मालूम चल रहा होगा, इंडोर आउटडोर का, ये आउटडोर से ही कनेक्शन इंडोर को दिया गया है, ये देखिए अभी इसमें हमारा पावर सप्लाई आया, ठीक है, जैसे कंट्रोल सप्लाई आया, तो कंट्रोल सप्लाई आने के बाद देखिए ये कंप्रेसर स्टार्ट हो गया, कंडेंसर फैन स्टार्ट हो गया, ओके। चलिए अभी हम बंद करते हैं, इसको फिट करेंगे। तो आज का वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और कुछ नॉलेज मिला, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और इस तरह का वीडियो हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। किसी तरह का आपको कोई डाउट है, किस तरह कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, इंशाल्लाह जहाँ तक हो पाएगा मैं आपको बताऊँगा। चलिए फिर अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, ओके।